नमस्कार फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा आपके चैनल पी गेम इंटरेक्ट्स में। तो फ्रेंड्स, अपनी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप खेलते हो बीजीएमआई या फिर आप कोई भी स्पोर्ट गेम खेलते हो तो उससे रिलेटेड ऐसी जानकारी बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं जो हमारे गेम्स हैं स्पोर्ट के, उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर ध्यान से देखना और आप समझ पाएंगे क्या रूल्स हैं, क्योंकि हुआ क्या है, कल एक पोस्ट आई है ई स्पोर्ट प्लेयर से रिलेटेड एंड कुछ बंदे जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें पता रहता है नहीं कुछ जानकारी वानकारी का, उल्टी न्यूज़ बता देते हैं और जानकारी भी गलत बता रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पोस्ट दिखाता हूं। पोस्ट में लिखा गया है वेरिफिकेशन ऑफ प्लेयर्स अंडर द न्यू ड्राफ्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मैं आपको बता दूं रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है उसके। ठीक है, अगर ये पोस्ट है, पोस्ट के नीचे आप अगर डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो मैं आपको बताऊं वो क्या है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूं क्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी इसको जो है कंट्रोल कर रही है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हैज़ प्रपोज्ड एज सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। एक जो है नया मैकेनिज्म चालू करेंगे विच विल बी रिक्वायर्ड मैंडेटरी, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मैंडेटरी होगा मतलब करना ही करना है, वो किसके लिए है, रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ ई स्पोर्ट प्लेयर। अब ये लाइन ध्यान से पढ़ना, क्या जो लाइन थी, रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ ई स्पोर्ट प्लेयर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज। ठीक है, तो कुल मिला के सीधी सादी बात यह है, अब जो ई स्पोर्ट के प्लेयर हो गए जैसे स्काउट हो गए, जोनाथन हो गए, मॉर्टल हो गए, ई स्पोर्ट के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, अब जो कंपनी हो गई वो रजिस्ट्रेशन करेंगी, कुछ बंदे क्या बोल रहे हैं सब लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, सब लोग वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अगर एक बार को आप ये बोल दो कि सब लोग वेरिफिकेशन करेंगे, वो बात मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई नंबर देना होगा जब हम बीजीएमआई लॉगिन करेंगे, अपनी एज बतानी होगी, वो चीज़ पहले भी हो चुकी है, बट रजिस्ट्रेशन सब नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे ई स्पोर्ट प्लेयर्स। ठीक है, वो रेगुलर मतलब मैंडेटरी है। वो क्यों है, क्योंकि अब जो टैक्स वगैरह शायद सरकार ले सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि सरकार को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है जो भी अपने यूट्यूबर वगैरह हो गए वो थोड़े मतलब सही इनकम उनकी आती है और उनमें से कुछ वो टैक्स दे देंगे इंडिया को, तो सही रहेगा, इंडिया के काम में मतलब लगेगा। ठीक है, कुल मिला के पूरी न्यूज़ ये थी, ये नहीं है कि हम सबके सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सबको ऐसे पैसे देने पड़ेंगे, ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं अगर वो ई स्पोर्ट खेलने जाते हैं तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कुल मिला के बात ये है। ठीक, हाँ फ्रेंड्स, मैं एक और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मुझे लगता है, मैं आपको बता दूँ इस पोस्ट के नीचे एक और चीज़ लिखी हुई थी द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इन्वाइटेड पब्लिक कमेंट फॉर द ड्राफ्ट बाय जनवरी 17, 2023। तो इसमें लिखा गया है कि जनवरी 17 को, 17 जनवरी को 2023 में ये पब्लिक हो जाएगा, मतलब ये जो इन्होंने बात कही है पब्लिक करेंगे और आपको जो है कमेंट करने का, यानी कि आपको भी मौका मिलेगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, ये चीज़ कमेंट करने का आपको मौका मिलेगा। शायद हो सकता है इनकी कोई वेबसाइट हो जहाँ पर जाके वोट वगैरह करना पड़े, मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं इसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहूँगा। ठीक है, इनकी आवाज़ को आप इग्नोर करें, ऐसा तो होता रहता है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा बात खटकी वो ये लगी कि इन्होंने 17 जनवरी का टाइम दिया गया है। ठीक है, एंड अभी जो लीक्स निकल के आ रही है, मतलब आपने वो देखी होगी गूगल वाले बंदे वाली, आपने क्लिप देखी होगी, तो उसमें क्या बोल रहा है वो कि 15 जनवरी को। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से राय रख के बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि 15 जनवरी को ऐसा कुछ हो सकता है, सही में जो मुझे लग रहा है। ठीक है, फालतू में आपको बहकाऊँ, आपको खुश कर दूँ दो मिनट के लिए, तो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर 17 जनवरी को तो इन्होंने वोट की वो रखी है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है जनवरी में, हम मान सकते हैं जनवरी में आएगा, बट एक फिक्स डेट नहीं लेके चल सकते ना, जैसे पिछली बार दिवाली को इन्होंने धमाल कर दिया था कि दिवाली को ये होगा, तो मतलब वही चीज़ है, समझ गए। तो ऐसे ही हम कोई फिक्स डेट लेके नहीं चल सकते हैं, बट ये आप बोल सकते हो एक बार को कि जनवरी में आएगा। ठीक है, जनवरी या फरवरी जो भी हो जब आएगा, बट फालतू में किसी को बहकाना है, झूठी डेट रखना, ये सब फालतू के काम है। ओके, एंड यहाँ पे 17 जनवरी इन्होंने टाइम रखा हुआ है, हो सकता है कि 20 को या फिर जब भी इनका मन करे तब आ जाए। ठीक है, जब मतलब सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, जब सरकार भी ओके रहेगी, अपना गेम भी ओके रहेगा। ठीक है, एंड आधे से ज़्यादा प्रोसेस हो चुकी है, ये चीज़ें तो हमें साफ साफ पता लग रही हैं लीक्स से कि आधे से ज़्यादा प्रोसेस हो चुकी है, अब बस एंड वाली प्रोसेसिंग बची है, मतलब एंड वाली चीज़ें होने को बची हैं, जैसे ही वो हो जाएंगी वैसे ही अपना गेम भी जो है वापस आ जाएगा। भाई आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, कैसी लगी जानकारी, मेरी सच्चाई, जो भी आपको कुछ अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और वीडियोज़ के लिए कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक माय वीडियो, लव यू ऑल, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।